हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे एलन मस्क स्पेस एक्स के 40 सैटेलाइट डिस्ट्रॉय क्यों हो गए थे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। 3 फरवरी 2022, एक ऐसा दिन जिस दिन अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से फैल्कन 9 रॉकेट में 49 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए। इन सैटेलाइट का काम यह था कि हाई स्पीड से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना, डायरेक्ट सैटेलाइट से पहुंचाया जाए लोगों तक। उन 49 सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट 4 फरवरी 2022 को डिस्ट्रॉय हो गए, जो कि पृथ्वी की तरफ मुड़ गए थे। इन सैटेलाइट का डिस्ट्रॉय होने का कारण था चुंबकीय तूफान, जिसको हम जियो मैग्नेट कहते हैं। इस तूफान के कारण स्पेस एक्स के 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एलन मस्क की कंपनी के बताए गए बयान के मुताबिक अभी इन सैटेलाइट से कोई भी जोखिम नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट बिना किसी धातु की बनी होती है। ऐसे में अगर ये पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश करेगी तो जलकर राख हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।